हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा परवल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भरवा परवल बनाने की सामग्री है 300 ग्राम परवल है, एक बड़ा आलू है, कच्चा आलू है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, एक चौथाई चम्मच रेड चिली पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच कटा हुआ अदरक, एक छोटी चम्मच नींबू का रस, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन, एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, दो पिंच हींग, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और तेल। सबसे पहले हम परवल को छील कर तैयार करेंगे। दोनों साइड हम कट कर लेंगे और अब हम परवल को छीलेंगे। परवल को हमने छील लिया है, अब हम बीच से कट करेंगे। इस तरह से, पूरा नहीं कट करना है, सिर्फ बीच में इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद हम बीच को निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि हम इसमें मसाला भर पाए। परवल के बीज को हमने निकाल लिया है, इसी तरह से हम सारे परवल को तैयार करेंगे। परवल के बीज को हमने निकाल लिया है, अब हम परवल के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन गरम हो गया है, एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, आंच को मीडियम रखेंगे और जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, मिला लेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम कटा हुआ अदरक डालेंगे, मिला लेंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे, प्याज को हम मिला लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ कच्चा आलू डालेंगे। आलू और प्याज को हम पकाएंगे। आलू और प्याज को हमने 2 मिनट तक पका लिया है। कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, परवल के बीज को डालेंगे। अगर आपको बीज नहीं पसंद है तो आप इसे हटा दीजिए। मिलाएंगे, हल्दी को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। भुना हुआ बेसन डालेंगे और मिलाएंगे, आंच को धीमी रखेंगे। बेसन को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। धनिया पत्ता को हमने अच्छे से मिला लिया है। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और स्टफिंग को प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे।
स्टफिंग हमारी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम स्टफिंग को परवल में भरेंगे। इस तरह से हम हाथों में लेंगे और इस तरह से हम दबा दबा कर भर लेंगे। इसी तरह से हम सारे परवल को भर कर तैयार करेंगे। सारे परवल में हमने स्टफिंग को भर लिया है। अब हम परवल को फ्राई करेंगे। पैन गरम हो गया है। पैन में हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। परवल को हम इस तरह से रख देंगे। परवल को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आंच को धीमी रखेंगे। परवल हमारा एक साइड से फ्राई हो गया है। अब हम परवल को पलट लेंगे। इसी तरह से हम सारे परवल को पलट लेंगे और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे सभी साइड से। परवल को हमने धीमी आंच पर सभी साइड से घुमा घुमा कर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। भरवा परवल बनकर तैयार है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए, बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।